मोटिवेशन की दुनिया में अगर कुछ अलग नया और प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी एक भी वीडियो मिस ना करें। Hi folks, this is Veer Vijay Singh, top-selling author of the book Know This Book Won't Change Your Life and insightful inspirational speaker. So, आज मैं आपसे बात करूंगा सलमान खान और उनके सुपर स्टारडम के बारे में। यू नो, जिस फील्ड में मैं हूं कि सक्सेस इंस्पिरेशन, तो मुझे बहुत शौक है, ये मेरा पैशन है कि मैं सक्सेस को डिकोड करूं कि कोई चीज़ या कोई इंसान इतना सक्सेसफुल क्यों है। सो एक क्वेश्चन जो मुझे हर बार आता है कि ऐसा वो क्या एक्स फैक्टर है शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान में कि वो उनको अलग बनाता है और उनकी ऐसी एक कल्ट फॉलोइंग डेवलप करता है जो बाकी स्टार्स कभी नहीं कर पाए। सो For Salman Khan, that reason is one word, and the one word is rapport, yes. अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, that word is connect, connection. मैंने उनके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे और पढ़े, and वो सब एक कहते हैं कि यार, I don't know what the thing is, but I have a different kind of connection with my audience. It's not about action or romance or drama. It's about something different, जो शायद वो भी sure नहीं है. बट मैं आपको आज बताऊंगा कि वो क्या है। ये तो कनेक्शन कब बनता है, कनेक्शन के दो फैक्टर्स होते हैं और ये दो फैक्टर्स ही काफी हैं। और सलमान खान के केस में ये दो फैक्टर्स ही उनके पिलर्स बनते हैं उनके सुपर स्टारडम के। सो द फर्स्ट पिलर इज कि यार, कनेक्शन तब बनता है जब यार ये इंसान मेरी तरह हो, जब आप उससे रिलेट कर पाते हो कि भाई ये मेरी तरह, ये तो मेरा भाई है। एंड सेकेंड फैक्टर ये है कि जब आप सामने वाले से इंस्पायर होते हो। सो दो रीजंस क्या है कनेक्शन के, या तो आप उनकी तरह बनना चाहते हो या ऑलरेडी आप उनकी तरह हो, तब जाके यू नो एक कॉमन ग्राउंड बनता है और तब जाके एक स्ट्रांग कनेक्शन बनता है। और सलमान खान के केस में वो कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि वो सही होते हैं तब भी वो सही होते हैं और वो गलत होते हैं तब भी वो सही होते हैं। ऑडियंस को सही गलत समझ में नहीं आता, बिकॉज कहा जाता है सलमान खान अपने आप में एक रिलीजन है, उनकी फॉलोइंग इतनी बड़ी है इंडिया में। सो द फर्स्ट फैक्टर इन सलमान खान केस इज यू नो, जब आप देखते हो उनका जो इमेज, खासकर वांटेड मूवी के बाद एक ऐसा इमेज बेचा जा रहा है जो लार्जर देन लाइफ है, जो फियरलेस है, और ये फियरलेसनेस ही बिकता है। अगर आप देखो, अगर आप किसी से पूछते हो भाई मूवी क्यों जाते हो, तो बोलेगा कि एंटरटेन होने, रूटीन से बाहर निकलने। बट कहीं ना कहीं सच्चाई ये होती है कि कहीं ना कहीं हमको हमारी रियलिटी पसंद नहीं आती और हम 2-3 घंटे के लिए ऐसी रियलिटी में जाना चाहते हैं, डूबना चाहते हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू फॉरगेट अवर ओन रियलिटी। दिस इज कॉल्ड एस्केपिज्म, एंड दैट इज वाई वी गो फॉर मूवीज, एंड हम ढूंढते रहते हैं वो एस्केपिज्म। सो हर इंसान कहीं ना कहीं इनसिक्योर है, डरा हुआ है, यू नो, उसको लाइफ में एक्शन लेना है। हजारों लोग अपने सपने क्यों नहीं जी रहे, बिकॉज वो अपना डर जी रहे हैं। एंड जब आप सलमान खान को देखते हो, दिस मैन इज फियरलेस, चाहे वो फियरलेस है नहीं है, बिकॉज आज के जमाने में कॉन्फिडेंट यू नो होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कॉन्फिडेंट लगना इंपॉर्टेंट है। सो जो उनका इमेज है, जो उनका पर्सोना है, लार्जर देन लाइफ, फियरलेस, वो दबंग एटीट्यूड, वो बैडास एटीट्यूड, वो बिकता है। एंड कहीं ना कहीं लोग उनसे रिलेट कर पाते हैं कि यार मुझे ऐसा बनना है। लुक एट दैट मैन, द वे ही वॉक्स, यू नो दैट मैस्कुलैरिटी, द काइंड ऑफ यू नो माचोइज्म ही हैज, that people want and they want to imbibe. That is the reason, that is the first connection factor, ki logo ko unki tarah banna hai, that fearless attitude wo unko imbibe karna hai. Second factor, wo second factor kya hai, aur wo hai unki weaknesses. Ji haan, Salman Khan ki weaknesses ki wajah se hi wo itne bade star hai aaj. You know, सेकेंड फैक्टर कब बनता है कि जब आप उनसे ऐसा फील करते हो कि यार ये मेरी तरह है, और जब आप उनकी हिस्ट्री उठा के देख लो, सारी कॉन्ट्रोवर्सीज, गुस्सा, यू नो अब्यूज करना और यू नो फाइट करना, वॉट एवर इट इज, कहीं ना कहीं यू नो जो उनकी फेल्ड लव लाइफ है, हर इंसान का कहीं ना कहीं दिल टूटा है, हर इंसान इनसिक्योर है, हर इंसान को गुस्सा आता है, तो कहीं ना कहीं वो उनके साथ एम्पथाइज कर पाते हैं और एक डिफरेंट काइंड ऑफ कनेक्शन फॉर्म होता है। हीरो कब बनता है, जब हीरो के पास कुछ इशूज हो सॉल्व करने के लिए, चाहे वो ऑफ स्क्रीन हो या ऑन स्क्रीन हो, तब जाके हीरो बनता है। परफेक्ट जिंदगी के साथ आप किसी को हीरो नहीं मानते हो, जब वो हीरो लड़ता है, उसके पास कुछ लड़ने के लिए होता है, तब जाके वो हीरो बनता है। और सलमान खान के केस में उनकी पूरी जिंदगी एक फाइट रही है, छोटे-मोटे इश्यूज के साथ, कई बड़े इश्यूज के साथ, इट हैज ऑलवेज बीन अ फाइट। एंड वो हीरो कब बनता है, जब लोग उनसे कनेक्ट कर पाते हैं कि यार इसके लाइफ में इश्यूज है, इन इज फाइटिंग फॉर इट। हम सब में वो गलतियां की हैं, हम सब में वो गुस्सा है, हम सब में वो गिल्ट है, हम सब में वो एंगर है, एंड बिकॉज ऑफ विच वी कनेक्ट विथ हिम, हम एम्पथाइज कर पाते हैं। रिलेशन कब बनता है, जब यू कैन एम्पथाइज विद द अदर पर्सन, और सलमान खान के केस में कुछ ऐसा ही हुआ। दैट इज द रीजन यू नो यू कनेक्ट विथ हिम, एंड दैट्स द रीजन यू कनेक्ट विद सलमान खान। और ये कनेक्शन, ये सिंपल सा वर्ड है उनके सक्सेस के पीछे का सीक्रेट। सो लेसन फॉर यू गाइस, अगर आपको कनेक्शन फॉर्म करना है किसी के साथ, तो आपको उनको इंस्पायर करना पड़ेगा कैसे भी, एंड दूसरा आपको एक कॉमन ग्राउंड डेवलप करना पड़ेगा, तो जाके आप वो रैपो डेवलप करोगे। और खासकर ये एडवाइस उन लोगों के लिए है जो कि यू नो पब्लिक लाइफ में काम करते हैं और यू डील विद अदर ह्यूमन बीइंग्स। दिस इज वीर विजय सिंह साइनिंग ऑफ।